नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साईटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीडीएफ का साइज कंप्रेस करने के बारे में। जैसा कि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि पीडीएफ के साइज को कंप्रेस करने के लिए बताएं, उसी के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले वीडियोस में मैं टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बारीकियों से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो पीडीएफ को कंप्रेस करने के लिए एक्रोबैट रीडर अगर आपके पास, एक्चुअली क्या होता है कि पीडीएफ को ओपन होने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में एडब रीडर या फिर एडब एक्रोबैट रीडर होना जरूरी होता है। दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर है तभी जाकर के आपका पीडीएफ फाइल ओपन होती है। तो वैसे तो एडब एक्रोबैट रीडर से भी कंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसे कुछ वर्जन में है कुछ वर्जन में नहीं है, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं वहां से नहीं बताऊंगा। मैं बात करने वाला हूँ एक छोटे से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा आपको, करीब करीब 7 MB का सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर है प्राइम पीडीएफ। प्राइम पीडीएफ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट आप यहां पर आ सकते हैं और डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। प्रिमो पीडीएफ, यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये इजीली बिल्कुल भी डाउनलोड हो जाएगा। तो कई बार एक्चुअली होता क्या है कि लिंक महीने दो महीने में फेल हो जाया करती है, तो आप लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है, कोई भी लिंक नहीं दिया जाता है, लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कोई भी लिंक महीने दो महीने में फेल हो जाया करती है, वो डिस्टर्ब हो जाया करती है। तो ये बहुत ईजी है, आप गूगल पर प्रिमो पीडीएफ डालेंगे तो बहुत ही इजी मिल जाएगा आपको। अगर लिंक काम नहीं कर रही है तो आप डायरेक्ट गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। करीब 7 MB का फाइल है जिसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो है इस तरीके का सेटअप आपको मिलेगा, और सेटअप इंस्टॉल कर लें, बिल्कुल इजी है इंस्टॉलेशन इसका। मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आपका पुराने वर्जन का कोई अगर विंडोज 7 विंडोज 10 वगैरह हो तो हो सकता है .NET फ्रेमवर्क मांगे, तो आप बहुत ही इजीली जो .NET फ्रेम मांगेगा बहुत ही इजीली है, आप उसको वहीं पर ओके कर दें और नेट चालू रहेगा तो वो जो है डाउनलोड कर लेगा। थोड़ा समय दे उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि .NET फ्रेम जब आप ओके करते हैं तो वो प्रोसेस वन बाई वन करके दिखाता नहीं है जल्दी, वो बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ रहेगा, और जैसे कुछ टाइम बाद, हो सकता है आधे घंटे भी लग सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% हो जाता है। तो आप उसको समय लेने दें, जैसे ओके करेंगे अगर अगला प्रोसेस पे आ गया है डाउनलोड होने के लिए तो आप उसको करके छोड़ दें, वो डाउनलोड हो जाएगा और लास्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं मांगा तो कोई बात ही नहीं है। डाउनलोड होने के बाद जो है आपको इस तरीके का आइकन बन करके आएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसका इंटरफेस खुल करके आता है। लेकिन हमें इसका कुछ नहीं करना है, हमें सीधा जिस भी पीडीएफ को हमें कंप्रेस करना है उसको हम ओपन करेंगे। जैसे हम इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले, तो इसका प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे तो ये 2.98 यानी करीब 3 MB के आसपास इसका जो है साइज है। तो मान लीजिए इसको हमें कहीं सेंड अगर करना है बाई ईमेल वगैरह तो हम इसको सेंड नहीं कर पाएंगे, ये अपलोड होने में काफी वक्त लगा देगा, तो इसीलिए हमको कंप्रेस करना जरूरी है। तो इसके लिए कंप्रेस करने के लिए हम इसे ओपन करेंगे, चाहे एक्रोबैट रीडर हो या फिर एडब रीडर, किसी के अंदर भी हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, आप फाइल में जाएं और फाइल में जाने के बाद जो है प्रिंट पर क्लिक करें, और प्रिंट पे आने के बाद जो है यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेम, जैसे आपका अगर प्रिंटर वगैरह होगा तो हो सकता है वो प्रिंटर सेलेक्ट रहे, तो आप यहां से जो है आकर के प्रिमो पीडीएफ, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो प्रिमो पीडीएफ प्रिंटिंग ऑप्शन में आकर के जुड़ जाता है। अगर नहीं जुड़े तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लें, फिर वो आ जाएगा। तो यहां से आपको प्रिमो पीडीएफ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि ये ऑल पेज सेलेक्ट है, अगर आप कुछ पेज का चाहते हैं तो यहां से एक पेज से लेकर के मान लीजिए 3 पेज तक अगर आप कर देंगे, यहां पर 3 कर देंगे तो 3 ही पेज को जो है ये कंप्रेस करेगा और वहां पर लेकर के जाएगा, कंप्रेस करके लेकर के जाएगा। तो जितना पेज आपको चाहिए उतना भी कर सकते हैं, अगर सभी को करना चाहते हैं तो आप सभी को कर सकते हैं। तो यहां से जो है हम कुछ भी करना नहीं है, बाकी सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। हम ओके प्रेस करेंगे और कुछ ही टाइम में ये ऑप्शन आएगा। यहां पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, लेकिन इनको कुछ जरूरत नहीं है यहां कुछ भी चेंज करने की, आप इसी पर ओपन पीडीएफ रहने दें। और जैसे क्रिएट पीडीएफ करेंगे तो ये पूछेगा सेव कहाँ करना है, चूंकि हमें डेस्कटॉप पर ही सेव करना है, कोई नाम इसका देना चाहते हैं अलग सा तो हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए प्राइमो पीडीएफ कंप्रेस हमने नाम दे दिया। उसके बाद सेव करेंगे
और ये जो है कंप्रेस हो गया। अब हम देखते हैं ये ओपन हो गया है और इसको हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद ये रहा कंप्रेस वाली फाइल। हम यहाँ पर इसकी पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पहले वाली की जो हमने देखा था 3 MB के आसपास, आप ये देख सकते हैं 2.97 MB। तो अब हम इसका अगर देखते हैं प्रॉपर्टी, तो ये रहा 950 KB में हो गया है। तो ये 1 MB से 3 MB से यानी कि 1 MB से भी कम हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा PDF कन्वर्टर लगा मुझे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा कि PDF को हम कैसे बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे कंप्रेस कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तभी जा करके हर न्यू वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।